ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी। जब से पीएम नरेंद्र मोदी ने स्विस बैंक से ब्लैक मनी इंडिया लाने का बात कहा था, तब से आज तक अकाउंट में 15 लाख आने का और स्विस बैंक के ब्लैक मनी के बारे में चर्चा पूरे देश में चल रहा है और विरोधी आए दिन इस बात को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करते रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार ब्लैक मनी क्यों वापस नहीं ला पा रहा है और क्या स्विस बैंक से किसी का भी पैसा निकालना इतना आसान है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाइट मनी और ब्लैक मनी क्या है। व्हाइट मनी, जिस पैसे को आप मेहनत से कमाते हैं, जिस पर इनकम टैक्स देते हैं और आपका हर आर्थिक गतिविधि ट्रांसपेरेंट होता है, उस पैसे को व्हाइट मनी कहते हैं। ब्लैक मनी, जिस पैसों के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता और जिसका इनकम सोर्स और टैक्स दोनों सरकार से छुपाए जाते हैं। ब्लैक मनी का सोर्स ज्यादातर स्मगलिंग, घूस, टैक्स की चोरी, इल्लीगल एक्टिविटी से आता है। और अगर आपके पास ब्लैक मनी है तो ईडी आपके घर बीड़ी पीने जरूर आएगी। रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है, गेट खोलो। इससे बचने के लिए लोग बहुत सारे पैंतरे अपनाते हैं, जिसमें सबसे सेफ ऑप्शन है ब्लैक मनी को देश से बाहर ले जाकर स्विस बैंक में रखना। लेकिन स्विस बैंक ही क्यों, पूरे दुनिया में इतने सारे तो बैंक हैं, इंडिया में भी बहुत बैंक हैं, लेकिन स्विस बैंक में ऐसा क्या खास है? स्विस बैंक में खास है प्राइवेसी, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। आपको बता दें, स्विट्जरलैंड की हर बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है। इसकी संख्या करीब 240 के आसपास है। ईयर 1713 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक लॉ लेकर आए, जिसमें यह लिखा था कि कोई भी बैंक अपनी कस्टमर की जानकारी किसी भी हालत में किसी को भी शेयर नहीं करेगा। ये सुनते ही पूरे यूरोप और आसपास के देशों के अमीर और ताकतवर लोग यहाँ पैसा रखने लगे। 1934 में स्विट्जरलैंड ने अपनी लॉ को और सख्त बनाया कि अगर कोई भी कस्टमर की जानकारी शेयर करेगा तो उसे जेल जाना होगा। ये सुनते ही दुनिया भर के लोग यहाँ पैसे रखने आ गए और इसी एडवांटेज की वजह से स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड वॉर में ना तो नाजी और ना ही सोवियत सेना ने हमला। ऐसा माने तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद स्विस बैंक की पॉपुलरिटी और भी बढ़ने लगी और अपनी देश में इन्वेस्टमेंट आता देख स्विस गवर्नमेंट अपनी प्राइवेसी कानून को और भी सख्त बनाया, जो आज तक चल रहा है। स्विस बैंक के ऊपर लोगों का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की सरकार बहुत ही स्टेबल, यहाँ कोई भी लफड़ा या मिलिट्री या टेरर एक्टिविटी नहीं होती और हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं और उसमें 10% लोग यहाँ ब्लैक मनी छुपाने आते हैं। तो यहाँ अकाउंट कैसे खोलते हैं? सबसे पहले तो आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अकाउंट खोलने के लिए $1 मिलियन या करीब 8 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं। और यहाँ दो तरह के अकाउंट होते हैं, नॉर्मल सेविंग और नंबर्ड अकाउंट, और सारी कला कारीगरी यहाँ नंबर्ड अकाउंट में होता है। इस नंबर्ड अकाउंट में सिर्फ पैसा नहीं, गोल्ड, डायमंड, प्रॉपर्टी के पेपर या कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट यहाँ रख सकते हैं और इसके लिए आपको लॉकर प्रोवाइड किया जाता है। इस अकाउंट की जानकारी बैंक वाले किसी को भी नहीं देते, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप दूसरे देश से हो तो आपको हर साल $300 देना पड़ेगा एज ए सर्विस चार्ज। तो क्या ब्लैक मनी वापस नहीं लाया जा सकता? ऐसा सीधी तौर पर तो नहीं हो सकता कि अगर किसी व्यक्ति पर टेरर, मर्डर या फ्रॉड कोई गंभीर आरोप हो तो सरकार के कहने पर बैंक उस व्यक्ति का अकाउंट ब्लॉक कर देगा पर पैसा नहीं देगा। और जो भी ब्लैक मनी यहाँ रखते हैं वो 3-4 देश घूमकर यहाँ पैसा लाते हैं, तो ऐसे में किसी को भी ट्रैक करना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट सीधी तौर पर इन बैंकों से पैसा नहीं ला सकता। अगर काला धन को रोकना है तो देश के अंदर ही रोकना होगा, हवाला नेटवर्क को तोड़ना होगा, लेकिन ये नहीं हो पा रहा क्योंकि ब्लैक मनी वाले ज्यादातर लोग सरकार के खास और आसपास के लोग होते हैं, जो इलेक्शन के टाइम करोड़ों चंदे में दे देते हैं। बीते सालों में इंडियंस की ब्लैक मनी स्विस बैंक में बढ़ी है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि देश का पैसा देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक जरूर करें और अगर हमने कुछ मिस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।